वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आरके कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग सीरीज के अंदर कुछ टॉपिक हमने कवर किए थे, उसी सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आपका, जिसे हम पोजिशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सबसे पहले हमें समझ लेना है कि जो हम फाइनल अकाउंट यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, वो फाइनल अकाउंट हम एक सोल प्रोप्राइटर के पढ़ने जा रहे हैं, ना कि हम किसी कंपनी के फाइनल अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं। जो सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट होते हैं, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट को तो हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, और जो आपका बैलेंस शीट होता है उसको हम पोजिशन स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने इनकम स्टेटमेंट के ब्रैकेट में क्या लिखा है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और हमने पोजीशन स्टेटमेंट के राइट में क्या लिखा है, बैलेंस शीट लिखा है। अब बात करते हैं हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट की। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट जो रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो आपका रहता है, उसका मेन पर्पस ये रहता है कि ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस बिजनेस का क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना। और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, उसका मेन पर्पस ये रहता है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारा क्या है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक परफॉर्मा भी गिवन है, उस परफॉर्मा के ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। यहाँ पे हमने इस परफॉर्मा के अंदर फर्स्ट हाफ़ के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है और सेकंड हाफ़ के अंदर हमने P&L अकाउंट लिखा है। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटर वो रहता है जो एक बिज़नेस के अंदर या तो पुराने टाइम से लगा हुआ है या फिर नए सिरे से उसने बिज़नेस शुरू किया हुआ है। यदि वो बिज़नेस नए सिरे से शुरू करता है तो फिर उसे परचेज़ करना होगा डायरेक्ट, और यदि वो उसका बिज़नेस पुराना बिज़नेस है तो पहले वो क्या करेगा, जो उसका अनसोल्ड स्टॉक, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, उसको ऐसे ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम किसे लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक अपना वो स्टॉक रहता है जो लास्ट ईयर का अनसोल्ड स्टॉक है, जिसको हम इस साल सबसे पहले लिखेंगे। फिर आपको पता ही है कि जो ओपनिंग स्टॉक है उसे हम साल भर तो कंडीशंस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बिज़नेस के अंदर बिज़नेस को ग्रोथ भी करना है। तो हम क्या करते हैं, उस स्टॉक को बिज़नेस में हम यूज़ तो लेते हैं, उसके अलावा हम कुछ परचेजेस भी करते हैं। और जो हम परचेजेस करते हैं, वो परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेजेस ऑफ गुड्स ही लिखते हैं, परचेजेस ऑफ असेट्स नहीं लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे एक ट्रेडर की प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके अंदर उसका प्रॉफिट लॉस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ बिज़नेस ऑफ गुड्स से जो हुआ है, हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। फिर हम बात करेंगे, आफ्टर दैट हम P&L अकाउंट की बात करेंगे। वहाँ P&L अकाउंट के अंदर हम अदर देन गुड्स जो अपना प्रॉफिट लॉस हुआ है, हम उसको भी कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि जो परचेजेस होता है, परचेजेस जो हम करते हैं उसका कुछ भाग हो सकता है कि हमने रिटर्न कर दिया हो, उसका कोई रीज़न भी हो सकता है कि जो हमने परचेज़ किया था वो जो आपकी गुड्स थी उसकी क्वालिटी डाउन थी, या फिर उसका प्राइस ज़्यादा लगा दिया गया, या फिर डिफेक्टिव आइटम था, तो हम उसमें से जो रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न को हम परचेज में से लेस करते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, बिज़नेस के अंदर प्रोप्राइटर जो गुड्स परचेज़ करता है उसका मेन पर्पज़ तो रहता है कि वो कस्टमर को सेल करे, लेकिन कभी कभी वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे लेस करेंगे। इसके अलावा हम एक एडजस्टमेंट भी आएगा फाइनल अकाउंट के अंदर, जहाँ हम ये पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स, तो वो चीज़ें आपका गुड्स विदड्रॉ और पर्सनल यूज़ जो है आपका, ये गुड्स यूज्ड अदर देन सेल्स का एग्जांपल है। ऐसे ही गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल जो है, वो आपका गुड्स यूज्ड अदर देन सेल्स का एग्जांपल है, जो परचेज में से लेस हो जाता है। नॉर्मली हम परचेज से नेट परचेज निकालते समय ओनली परचेज रिटर्न हमको दिया जाएगा, हम उसको लेस कर देंगे। ये टिपिकल एडजस्टमेंट के अंदर हम और चीज़ें भी पढ़ेंगे। फिर बात होती है कि जो हम परचेजेस करते हैं, वो परचेजेस हम कहाँ से करते हैं, वो हम अपने बिज़नेस के बाहर से करते हैं, और उस बिज़नेस का जो एरिया है वहाँ पे हम उसको परचेज करके लाते हैं, जो हमारा शॉप है वहाँ पे हम परचेज करके लाते हैं। तो गुड्स को परचेज करके अपनी शॉप तक का लाने का जो भी खर्चा होता है,
वो क्या कहलाता है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। तो हम नेक्स्ट परचेजेस के बाद जो थर्ड आइटम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जैसे एग्जांपल रहा, सपोज़ मान लीजिए आपने बाय ट्रेन आप कोई चीज़ लाए हो तो रेल का फ्रेट रहा, रेल का किराया रहा, या फिर आप लोकल कन्वेंस से लाए हो तो फ्रेट ऑन परचेज रहा, तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। अब इन सब का पर्पज़ क्या था, इन सब का पर्पज़ ये था कि हम सेल करें और हम प्रॉफिट अर्न करें। तो ये सब चीज़ें जैसे हमने फर्स्ट आपको बताया ओपनिंग स्टॉक, देन हमने बताया आपको परचेजेस, देन हमने बताया आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हमने एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब डेबिट में लिखे जाते हैं, ये इसलिए डेबिट में लिखे जाते हैं क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट बढ़ती है, इसलिए हम इनको डेबिट में लिखते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, क्रेडिट साइड की। जब हम किसी चीज़ का बिज़नेस के अंदर परचेज़ करके लाते हैं तो उसका पर्पज़ ये रहता है कि उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करना। तो जो अपना सेल्स होता है हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो हम अब चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे हमने लिखा है देखो बाय सेल्स। बाय सेल्स का मतलब जो हमने कस्टमर को जो गुड्स हमने सेल किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम किसी से परचेज़ करते थे और उसका हमें रिटर्न करना होता था, ऐसे ही जो हम सेल्स करते हैं ऐसे उसमें से कुछ पार्ट हो सकता है कि कस्टमर हमें वापस रिटर्न करे, तो उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं उसको। हम नेट सेल्स निकालते समय सेल्स में से लेस कर देते हैं। फिर हम जब सेल करेंगे तो जो स्टॉक होगा वो हो सकता है कि सारा ही सोल्ड हो जाए, या फिर हो सकता है कुछ स्टॉक बच जाए। यदि स्टॉक बच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो उसको हम क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक करके लिखेंगे। नॉर्मली होता क्या है, जो क्रेडिट साइट है उसका टोटल ज़्यादा आता है तो हम क्रेडिट का टोटल करते हैं और उसमें से डेबिट आइटम का जो टोटल है वो लेस कर देते हैं। सपोज़ मान लीजिए हमने क्रेडिट का टोटल किया 2 लाख रुपये आया, और हमने डेबिट का टोटल किया उसका टोटल आया 1,25,000 इन तीनों आइटम का टोटल, तो बचा आपका कितना 75,000, वो रहा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। हम उसको टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से भी लिखते हैं। हम इसको, इस ग्रॉस प्रॉफिट को आगे कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को जो बनाने का पर्पज़ था अपना, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का था, वो पर्पज़ यहाँ पे पूरा हमने कर लिया। अब हम इसी परफॉर्मिंग का जो पार्ट सेकंड पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर यदि हम देखें तो हम ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट किया है उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर टू ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका बैलेंसिंग फिगर से आएगा, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा फिर हम इसको कहाँ भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे। तो यहाँ पे ये जो अपना पार्ट रहा फर्स्ट वो था अपना ट्रेडिंग अकाउंट। अब सेकंड पार्ट में हम आते हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहले बनाने का ऑब्जेक्टिव हम आपको बता देते हैं कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है उसको बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। अब हम क्या करेंगे, जो अपना प्रॉफिट्स होता है, जैसा कि हमें पता है कि प्रॉफिट के आइटम को हम क्रेडिट में दिखाते हैं, तो हम यहाँ पे उस प्रॉफिट को जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके हमने दिखा दिया है। अब हमें क्या करना है, वही सिमिलर बिजनेस के अंदर स्टॉक जो अपना आ चुका था, जो हमने कस्टमर को सेल कर दिया था, अब उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे सेल के बाद, आफ्टर सेल सर्विस या बिफोर सेल सर्विस को एक्सपेंसेस होंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस में हम गुड्स के अलावा असेट्स भी यूज़ करते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे, कुछ इनकम हुई होंगी। अब हम उनकी बात करेंगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस थे वो डायरेक्ट थे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इनकम थी, इनकम नॉर्मली सेल्स ही होती है, वो डायरेक्ट थी। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनडायरेक्ट इनकम भी लिखेंगे। अब जैसे हम समझते हैं कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे प्रॉफिट्स को कम करते हैं, तो हम प्रॉफिट्स के पास तो उनको लिख नहीं सकते, उनको हमें प्रॉफिट में से लेस करना है। दूसरा, जो इनडायरेक्ट इनकम होती है वो हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ाती है, तो उसको हम प्रॉफिट वाले साइड में लिख देंगे। तो हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट के साथ ही लिखेंगे, बाय इनडायरेक्ट इनकम हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा जो हमें लॉस हुआ है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, उनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे लेस करने के लिए टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल मोस्टली ये होता है। सपोज़ मान लीजिए हम एक सोल प्रोप्राइटर हैं और हम गुड्स को ख़रीद के लाते हैं, तो वो जो गुड्स हम ख़रीद के लाए हैं अपनी शॉप पर उसको कस्टमर
तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और उस इंफॉर्मेशन के बाद कस्टमर जब ऑर्डर करता है उस ऑर्डर को फुलफ़िल करना और आफ्टर सेल सर्विस करना, इसका जो भी एक्सपेंसेस होगा वो क्या होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। मोस्टली हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जैसे मान लीजिए हमने सैलरी दी है, सैलरी सेल्स पर्सनल को दिया जो सेल्स के अंदर एंगेज हैं, एजेंट हैं, इनको कमीशन दिया है, सैलरी दी है। इसके अलावा हमने अपनी जो बिल्डिंग है उसका रेंट दिया है, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। इसके अलावा कुछ इनकम्स भी होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम भी होते हैं। इनडायरेक्ट इनकम की जैसे हम एग्जांपल लें, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम गुड्स की बात करते हैं और उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो सारी हम कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो आपका असेट्स से रिलेटेड हम एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए हमने असेट्स कोई परचेज़ की थी, अब उसको बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, तो वो अपना इनडायरेक्ट इनकम रहा, उसे हम क्या लिखेंगे, बाय इनडायरेक्ट इनकम करके हम उसको लिखेंगे। और इसका उल्टा भी हम चाहें तो असेट्स का सेल मानते हुए लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स को हम डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को एक असेट्स के एग्जांपल के थ्रू हमने समझा, दूसरा हमने उसको जैसे आफ्टर सेल सर्विस या फिर कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना या वो गुड्स डिलीवर करना, उसके एग्जांपल से हमने समझा कि जैसे कमीशंस देना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। अब हम क्या करेंगे, वही सिमिलर जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में किया था, हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया था, ऐसे ही हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और उसमें से हम किसे लेस कर देंगे, तो टोटल में जब क्रेडिट करेंगे, टोटल में करेंगे जब क्रेडिट का, तो ग्रोस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम टोटल हो जाएंगे और उसमें से डेबिट का लेस करेंगे, डेबिट में एक ही आइटम रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रहेंगे उनको हम लेस करेंगे। नॉर्मली यहाँ पे भी क्रेडिट ज़्यादा रहेगा और डेबिट कम रहेगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहलाएगा। तो हमने इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैसे हम पोजिशन स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, थैंक्स।